ये अपने घर से निकलते हैं और यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जब हम रास्ते में रहते हैं तो उस समय हमारा क्या भाव होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, आज हम सब लोग इसी को जानने का प्रयास करेंगे। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। हरे कृष्णा जब हम वृंदावन धाम का दर्शन करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो रास्ते में वृंदावन धाम में नहीं, जब हम रास्ते में होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, अभी रास्ते में ही होते हैं, उस समय हमारा भाव कैसा होना चाहिए, तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि उस समय हमारा भाव, हमारा विचार जो है अक्रूर जी के जैसा होना चाहिए। अक्रूर जी कौन है आप लोग जानते हैं? अक्रूर जी जो है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, या यूं कहें तो अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के चाचा भी लगेंगे। भगवान कृष्ण के वसुदेव जी, भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी हैं और वसुदेव जी के भाई हैं अक्रूर जी, और साथ ही साथ एक दृष्टि से देखा जाए, अगर एक संसार के दृष्टि से देखा जाए तो अक्रूर जी भगवान कृष्ण के चाचा हैं, और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। अक्रूर जी कहाँ रहते थे? अक्रूर जी मथुरा में रहते थे, और मथुरा में भी कंस के यहां पर नौकरी करते थे। भागवत के दसम स्कंद के 38 नंबर के अध्याय में अक्रूर जी के भाव का, उनके चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन है। तो आज जो है हम सब लोग उन्हीं अक्रूर जी के कथा के माध्यम से हम सब लोग यह जानेंगे कि जब हम वृंदावन धाम के लिए घर से निकल जाते हैं तो रास्ते में हमारा भाव कैसा होना चाहिए, ये अक्रूर जी के चरित्र से हम लोग जानेंगे। भागवत के दसम स्कंद के 38 नंबर अध्याय में अक्रूर जी की कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि एक बार मथुरा के राजा कंस ने अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर जी, आप जो है शीघ्र ही वृंदावन धाम जाइए, नंद गांव में जाइए, और जा करके जो नंद बाबा के दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उन दोनों को जल्दी से बुला करके मथुरा में लेकर के आइए। उनको कह दीजिएगा कि चलिए आप लोग, मथुरा आपकी राजधानी है, आप लोग मथुरा शहर का दर्शन करने चलिए, और कंस महाराज के यहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है, उस धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए चलिए। कंस ने अक्रूर जी से ऐसा कहा कि आप वृंदावन धाम जाइए, नंद गांव में जाइए, और वहां से कृष्ण बलराम को मथुरा में बुला कर लाइए।
जैसे ही कंस ने अक्रूर जी को यह आज्ञा दिया, इस आज्ञा को सुनते ही अक्रूर जी जो है वो आनंद के सागर में डुबकी लगाने लगे। उनके आनंद का, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतना खुश हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि अक्रूर जी को शाम को सूचना मिली थी कि आपको नंदगांव जाना है कृष्ण बलराम को लाने के लिए। शाम को सूचना मिली तो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि रात भर सोए ही नहीं। रात भर उन्होंने क्या किया, रात भर जो है उन्होंने अपना सोने का रथ जो है खूब सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों से सजाया और कृष्ण बलराम को बैठने के लिए उस रथ में सुंदर मखमल का आसन बिछाया। और सवेरा होते ही अक्रूर जी अपने सोने के रथ पर सवार होकर नंद गांव के लिए रवाना हो गए। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अक्रूरो अपि चत्ताम रात्रि मधुपुर्याम महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। सवेरा होते ही अक्रूर जी मथुरा से नंद गांव के लिए तुरंत रवाना हो गए। और जब अक्रूर जी मथुरा से नंद गांव की तरफ ब्रज की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में क्या सोच रहे थे, देखिए हम सब लोग भी कसिया से वृंदावन चलने वाले हैं, है ना। तो हम लोग कसिया से जब वृंदावन जाएंगे तो रास्ते में हमारा क्या भाव होना चाहिए, ब्रज वृंदावन में जाकर क्या करना है, कैसे करना है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन रास्ते में हमारा क्या भाव होना चाहिए ये अक्रूर जी से सीखना है। अक्रूर जी जब मथुरा से नंद गांव की तरफ जा रहे थे, ब्रज की तरफ जा रहे थे, तो वे रास्ते में क्या सोच रहे थे कि देखो तो, वे मन ही मन सोच रहे थे कि देखो तो मैं एक नंबर का अभागा आदमी हूँ, एक नंबर का पापी आदमी हूँ, दुनिया का सारा अवगुण दुर्गुण सारी बुराइयां मुझ में कूट कूट करके भरी हुई हैं। सबसे बड़ी बुराई ये है कि देखो तो जो कंस जो है हमारे ठाकुर जी के छह छह भाइयों को पत्थर के ऊपर पटक पटक के मार डाला, ऐसे कंस के यहां पर मैं नौकरी करता हूं, इससे बड़ा मेरा अभागापन क्या होगा, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं, बहुत बड़ा विषयी हूं, खल हूं, पापी हूं, लेकिन फिर भी मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं कि मुझ जैसे पापी को भी अपने धाम में बुला रहे हैं। ये ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है। और इतना ही नहीं, हरे कृष्णा चार्जिंग में लगाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अक्रूर जी रास्ते में सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा खल हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि मुझ जैसे अधम को भी अपने धाम में बुला रहे हैं, अपने अपने नंद गांव, अपने गोकुल, अपने ब्रज में बुला रहे हैं। और इतना ही नहीं, अक्रूर जी रास्ते में और क्या सोच रहे हैं कि मैवम ममाध मस्यापि,
अक्रूर जी रास्ते में सोच रहे हैं कि अहो देखो तो मैं कितना बड़ा अधम हूँ, कितना बड़ा नीच हूँ, कितना बड़ा कपटी हूँ, कितना बड़ा दुष्ट हूँ कि मैं जो है मथुरा से जो नंद गांव है बिल्कुल बहुत नज़दीक है, मैं ठाकुर जी के इतना नज़दीक रहता हूँ लेकिन फिर भी जो है कभी भी मेरे मन में खुद से यह इच्छा ही नहीं हुई कि मैं जा कर के थोड़ा ठाकुर जी का दर्शन कर लूँ। खुद से मुझे कभी इच्छा नहीं हुई, वो तो कंस ने आज कह दिया तो मैं जा रहा हूँ, और वो भी किस लिए जा रहा हूँ कि जा करके कृष्ण बलराम को लेकर के आऊंगा तो कंस जो है उनको मारने का पूरा प्लान बना लिया है, इसलिए मैं जा रहा हूं। अब भले कृष्ण जो है भगवान है वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, कंस उनको मार नहीं सकता क्योंकि वो भगवान है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं तो किस लिए जा रहा हूं, क्योंकि कंस का प्लान है कृष्ण बलराम को मारने का और मैं जो है उसके प्लान में सहयोग करने जा रहा हूँ, कृष्ण बलराम को लाने के लिए जा रहा हूँ। मैं कितना अधम हूँ कि उनको मरवाने के लिए जो है जो कंस उनको मरवाने के उद्देश्य से मुझे बुलाने के लिए भेजा है तब मैं जा रहा हूँ और फिर भी मेरे ठाकुर जी मुझ पर कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि मैं इतना नीच बुद्धि वाला, इतना अधम, इतना पापी हूँ लेकिन फिर भी मेरे ठाकुर जी कितने दयालु, कितने कृपालु हैं कि मुझ जैसे अधम पापी को भी अपने धाम में बुला रहे हैं, अपने ब्रज में, अपने नंद गांव में बुला रहे हैं। उनकी कितनी बड़ी कृपा है। देखिए अक्रूर जी रास्ते में इस तरह से विचार करते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी के चरित्र से हम सब लोगों को सीख मिलती है कि हम भी जब वृंदावन धाम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में हैं तो उस समय हमारा भी विचार अक्रूर जी के जैसा ही होना चाहिए कि हम बड़े अधम हैं, बड़े पापी हैं, बड़े नीच हैं, बड़े दुष्ट हैं लेकिन फिर भी भगवान बहुत दयालु हैं कि मुझ जैसे अधम को अपने धाम में बुला रहे हैं, ये हमारा भाव होना चाहिए। कई बार हम लोग वृंदावन धाम के लिए निकलते तो हैं लेकिन हम लोग रास्ते में क्या सोचते हैं, हम लोग जो है रास्ते में अक्सर यह सोचते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा या मेरे पूर्वजों ने कोई बहुत बड़ा तप, यज्ञ, धर्म, व्रत किया होगा या मैंने किया होगा, उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के फल स्वरूप मैं ब्रज वृंदावन में जा रहा हूँ, हम लोग ये सोचते हैं। परंतु हम लोगों को वृंदावन जाते समय यह नहीं सोचना चाहिए, हम लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि मैं जो है वृंदावन धाम में अपने पुण्य के फल स्वरूप नहीं जा रहा हूँ, अपने किसी तपस्या के फल स्वरूप नहीं जा रहा हूँ, अपने किसी व्रत के फल स्वरूप नहीं जा रहा हूँ, मैं जो है ब्रज वृंदावन धाम में केवल ठाकुर जी की कृपा से जा रहा हूँ, ये भाव होना चाहिए हमारे मन में। अपने पुण्य के फल स्वरूप जा रहा हूं ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वृंदावन धाम में अपने पुण्य के फल स्वरूप नहीं जा सकता है। नहीं तो पुण्य तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सब लोग नहीं ठाकुर के दरबार में पहुंचते हैं। वृंदावन धाम में तो वे ही लोग जा सकते हैं जिन पर राधा रानी कृपा करती हैं, श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं वही जाते हैं। तो हम लोग जब वृंदावन धाम के लिए जाते हैं तो रास्ते में हमारा ये विचार होना चाहिए कि मैं तो बहुत अधम हूँ, पापी हूँ, ठाकुर जी बड़े दयालु हैं कि वो कृपा करके मुझे अपने धाम में बुला रहे हैं। इस तरह से विचार करते हुए जो है भगवान के करुणा को याद करते हुए, उनके दयालुता को याद करते हुए हमें सफर करना चाहिए। लेकिन हम लोग का कैसा होता है, हम लोग जब यात्रा कर रहे होते हैं, जब हम बस में होते हैं, चाहे ट्रेन में होते हैं, चाहे फ्लाइट में होते हैं, तो हम लोग क्या सोच रहे होते हैं कि हम लोग जा तो रहे होते हैं वृंदावन धाम
लेकिन हम लोग सोच रहे होते हैं कि अरे 7 दिन के लिए हमारा दुकानवा बंद हो गया बेचारा। बताइए, अब पता नहीं हमारी लड़की कैसे रहेगी अकेले, हमारा लड़का कैसे रहेगा, हमारे बाबू कैसे रहेंगे। हम लोग जा रहे होते हैं ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर, लेकिन हम लोगों का मन और चिंतन कहाँ लगा रहता है? घर पे रहता है। तन से हम लोग वृंदावन की तरफ जा रहे होते हैं और मन पूरा जो है घर में, दुकान में, मकान में, धन में लगा रहता है। तो ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अक्रूर जी से सीख लेनी चाहिए कि अक्रूर जी जा रहे हैं नंद गांव में, लेकिन कितना सुंदर विचार करते हुए जा रहे हैं कि मैं कितना अधम हूं, लेकिन फिर भी जो है ठाकुर जी कितने दयालु हैं कि मुझ जैसे पापी को भी अपने चरणों में बुला रहे हैं। और इतना ही नहीं, अक्रूर जी रास्ते में क्या सोच रहे हैं कि मैं तो बड़ा खल हूं, पापी हूं, ठाकुर जी बड़े दयालु हैं कि मुझको अपने धाम में बुला रहे हैं। और जैसे ही इतने दयालु, करुणामय, कृपालु ठाकुर जी का जैसे ही ब्रज में दर्शन होगा ना, तो मैं तुरंत जो है उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा। जैसे ही नजरों से उनका दर्शन मात्र हो जाए तो तुरंत मैं उनको दंडवत प्रणाम करूंगा। यन्नमस्ये भगवतो योगी धेया अंग्री पंकजम। जैसे ही ऐसे कृपालु करुणामय भगवान का दर्शन होगा तो तुरंत मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। कितना सुंदर विचार करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। वास्तव में अक्रूर जी जो है अभी शरीर से तो मथुरा के रास्ते में हैं, लेकिन मन से वो पहले ही नंद गांव में पहुंच चुके हैं। भले तन से वो नंद गांव से दूर हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं ब्रज में, लेकिन मन से जो है वो तो पहले से ही पहुंच गए कि मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करूंगा। अक्रूर जी के इस चरित्र से हम लोगों को दूसरी सीख मिलती है कि हम सब लोग भी जब यात्रा कर रहे होते हो, बस में होते हो, सफर में होते हो, तो उस समय हम लोगों को भी यही मन में भाव रखना चाहिए कि जैसे ही वृंदावन में हमारे राधा रमन जी का, हमारे बांके बिहारी जी का, हमारे राधा श्याम सुंदर जी का, राधा दामोदर जी का, राधा गोविंद देव जी का जैसे ही दर्शन होगा, हम तुरंत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे। क्योंकि भगवान को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। भागवत में, गोपी गीत में गोपियां जो है भगवान को प्रणाम करने की महिमा बताती हैं। प्रणत देही ना पाप कर शरम फड़ी फड़ार्पितम् ते पदाम्बुजम् त्रिणाचरानुगम् श्रीनिकेतनम् क्रीडुकुचेशुना क्रिंदिरीक्षयम्। गोपी गीत में गोपियां जो है भगवान को प्रणाम करने की महिमा बताते हुए कहती हैं। गोपियां कहती हैं कि जो भगवान कृष्ण के चरण लक्ष्मी जी दिन रात दबाते रहती हैं, और जो भगवान कृष्ण के चरण वृंदावन के गायों के पीछे पीछे भ्रमण करता है, और जो भगवान कृष्ण के चरण कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य करके उसको, उसके विष को बाहर निकाल दिया, और जिन चरणों से भगवान ने 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया,
ऐसे भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अगर कोई संसार का पापी से पापी व्यक्ति भी एक बार भी प्रणाम कर लेता है तो अपने चरण में प्रणाम करने वाले व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को भी चुरा लेते हैं। प्रणत देही नाम पाप कर्षणम, ये भगवान को प्रणाम करने की महिमा है। अगर कोई व्यक्ति केवल श्रद्धा से भगवान को प्रणाम भी करे तो भगवान उसके पाप को चुरा लेते हैं। इसीलिए प्रतिदिन भगवान को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख होता है कि लोग जो है लोग के पास इतना भी समय नहीं है कि कम से कम सुबह में स्नान इत्यादि करके कम से कम भगवान को दंडवत कर लें, इतना भी लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि सुबह में उठ करके स्नान करके और भगवान के चरणों में जरूर दंडवत करे, भगवान को जरूर प्रणाम करे, भगवान की स्तुति करे। प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। हमारे राजस्थान में एक संत हो गए, उनका नाम था संत लाखा जी। उनको भगवान को प्रणाम करने में इतनी निष्ठा थी कि एक बार वे जो है राजस्थान से दंडवत प्रणाम करते हुए, राजस्थान से भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते हुए वो जगन्नाथपुरी तक प्रणाम करते हुए ही गए थे। सोचिए उनको प्रणाम करने में कितनी श्रद्धा होगी कि अपने ठाकुर जी के दरबार में राजस्थान से जगन्नाथपुरी तक जो है वो दंडवती प्रणाम करते हुए वो जगन्नाथपुरी गए थे। सोचिए उनको ठाकुर जी को प्रणाम करने में कितनी श्रद्धा होगी। वास्तव में ऐसे जो श्रद्धालु भक्त होते हैं ना, भगवान ऐसे भक्तों के हाथों में अपने आप को बेच देते हैं भगवान। हम लोगों की निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। आज भी वृंदावन में हजारों ऐसे महात्मा हैं, हम लोग चलेंगे तो प्रत्यक्ष अपने आँखों से देखेंगे कि आज भी वृंदावन में ऐसे हजारों महात्मा हैं जो गिरिराज गोवर्धन जी को कई सालों से दंडवती प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। और वो भी एक जगह पर, कितने कितने महात्मा तो एक जगह पर 108 बार दंडवत करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। फिर जितना लंबा शरीर है, जितना दूर तक दंडवत हुआ है, उतना दूर का जगह छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ पर 108 बार एक ही जगह पर 108 बार दंडवत करते हैं और फिर आगे कदम बढ़ाते हैं। और कई महात्मा तो एक जगह पर 1008 बार प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से वो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। मतलब सोचिए कि जो एक स्थान पर 1008 बार दंडवत करते हैं तो हमको लगता है उनको गोवर्धन जी की परिक्रमा करने में कम से कम 5-10 साल लग जाते होंगे। सोचिए उनको गिरिराज जी को प्रणाम करने में कितनी निष्ठा है। ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा है कि आज से कुछ साल पहले यहाँ कसियाँ आने से पहले जो है अपना, अब बताना नहीं चाहिए लेकिन अब ठाकुर जी प्रेरणा कर रहे हैं तो निकल रहा है मुख से कि जब मैं कसियाँ में आया था 2016 में, तो कसियाँ आने से पहले जो है हमने पूरा वृंदावन का दंडवती परिक्रमा किया था। 6 दिन लगे थे और 6 दिन के बाद उठने के लायक नहीं रह गए थे। पूरा लाठी पकड़ के उठते थे, कमर से उठा नहीं जाता था। एक दो भक्त थे वो मिल के हमको उठाते थे तो थोड़ा बहुत उठ के चल पाते थे। तो सोचिए ब्रज वृंदावन जो वृंदावन है वो तो केवल 11 किलोमीटर में है,
लेकिन गिरिराज जी जो है वो तो 21 किलोमीटर में है, पूरे 7 कोस में फैले हुए हैं। और महात्मा लोग कितना उनको भगवान गिरिराज जी में कितनी श्रद्धा होगी कि एक जगह पर 108 बार दंडवती करते हैं। तो खैर हम लोगों के दिल में तो उतनी शायद निष्ठा न हो पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम प्रतिदिन हम लोग स्नान करते हो सुबह में तो ठाकुर जी के चरणों में तो जरूर जाके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो अक्रूर जी, और उसमें भी जब हम लोग वृंदावन में जाएं तब तो हम लोगों को जरूर प्रणाम करना चाहिए, जरूर प्रणाम करना चाहिए। अक्रूर जी अभी नंद गांव में पहुंचे नहीं हैं, अभी रास्ते में ही हैं, लेकिन रास्ते में कितनी सुंदर सुंदर कल्पना कर रहे हैं कि मैं ब्रज में जाऊंगा तो ठाकुर जी का जैसे ही दर्शन होगा, कृष्ण बलराम जी का जैसे ही दर्शन होगा, दर्शन होते ही मैं अपने रथ से कूद जाऊंगा और उनके चरणों में लौट जाऊंगा, उनको उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करूँगा। इतना सुंदर कल्पना करते हुए, इतना सुंदर मन में विचार करते हुए वो नंदगांव की तरफ बढ़ रहे हैं, नंदगांव की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों को भी जब हम कस्यां से वृंदावन की यात्रा यहाँ से निकलेगी तो हम लोगों को भी बस में इसी तरह से विचार करते हुए चलना है कि हम वृंदावन धाम में जाएंगे तो वहाँ पर हम भी ठाकुर जी का जैसे ही दर्शन होगा दंडवत प्रणाम करेंगे। जैसे ही हम बस से वृंदावन धाम पे पहला कदम रखेंगे तो हम सबसे पहले हम दंडवत प्रणाम करेंगे, बस से पहला कदम हमारा उतरा कि दंडवत किए, फिर उसके बाद हम चल करके आश्रम में जाएंगे। कई बार बस से उतरते ही हमारा रूम कहने बा, चाबी कहने बा, बताई लोग चाबी कहने बा, खाए पिए का व्यवस्था बा, कहाँ सुते के बा, बैग कहाँ रखे के बा, हमार बैग भुला गए, हई हो गई, हऊ हो गई, हल्ला गोली, अरे हम वृंदावन धाम में आए हैं, पहले उतरते ही हमको जैसे ही अपना पांव रखे वैसे ही हमको सबसे पहले वृंदावन धाम में दंडवत प्रणाम करना चाहिए, फिर उसके बाद अपना जो कार्य है वो करना चाहिए। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन होगा मैं तुरंत प्रणाम करूंगा। और इतना ही नहीं, अक्रूर जी रास्ते में विचार कर रहे हैं, क्या अक्रूर जी अपने जीव से बारंबार भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी बार बार अपने मुख से अच्युत, अपने मुख से केशव, अपने मुख से गोविंद गोपाल मुकुंद माधव मधुसूदन गोपीनाथ, इस तरह से बारंबार भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं, नामों का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। अक्रूर जी के इस चरित्र से हमको तीसरी सीख मिलती है कि जैसे अक्रूर जी नंद गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कैसे बढ़ रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम लोग भी जब ब्रज की तरफ वृंदावन की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग को भी भगवान का नाम लेते हुए बढ़ना है आगे, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए। जब हम सब लोग भी बस में रास्ते में रहेंगे तो हम सब लोग ऐसा नहीं कि मोबाइल चलाते हुए चलेंगे और दुनिया का कचरा न्यूज सुनते हुए चलेंगे, नहीं, हम लोग चलेंगे तो कैसे, हम लोग चलेंगे तो जब रास्ते में रहेंगे तो हम लोग अपने मुख से भगवान के नाम का जप करते हुए कीर्तन करेंगे, कीर्तन करते करते थक जाएंगे तो जप करते करते चलेंगे, भगवान का नाम लेते हुए हम लोग चलेंगे, भगवान का नाम लेते हुए हम लोग वृंदावन यात्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जो है ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे संत लोग बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए इस संसार में दो चीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है, एक तो हाथ से दिया गया दान
और दूसरा मुख से लिया गया भगवान का नाम, ये दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए हाथ से दान करना चाहिए और मुख से भगवान का नाम लेना चाहिए। जितना भगवान ने समय दिया खूब भगवान का नाम ले लेना चाहिए। हमारे कबीर दास जी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर जी कहते हैं कि राम नाम की लूट लगी है, जितना लूटना है लूट लीजिए, जितना लूटना है लूट लीजिए, नहीं तो प्राण जब छूट जाएंगे ना, और जब ये शरीर में आग लग जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा, उस समय पछताने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए जब तक शरीर में प्राण है, जब तक इंद्रियों में शक्ति है, तब तक खूब भगवान का नाम जप कर लीजिए। हमारे संत लोग कहते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती, आइए हम लोग गा लेते हैं। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले मेरे तुम राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, ले मेरे तुम राम का प्याला, सुर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवाने तुम लोग, एक दिन ऐसा आएगा, धन का मतलब माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। माया के दीवाने तुम लोग, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काला पुत्री होगी, सुंदर काला पुत्री होगी, मरता होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दिन दिन में अंगोती लोले, रत माला मांगे, दिन दिन पिए लूटे रत माला माल हुए, दिन दिन में माला मांगे, दिन दिन में यह मोती लूटे, वह तुम्हारा
माला माल हुए हम तनम से तन पुजारी आसुर वो कंगाल हुए धन दौलत से बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए चांद सोने वाले सुन लो चांद सोने वाले सुन लो बात नाम खड़ी खड़ी ले 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 कोई बात कपड़ा सोनो जाओ खड़ी गई मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 करता तुम राम साल नहीं झूठ तन में फसा हुआ है वो पहुँचा फसा हुआ है ये कोई इंसान नहीं करता तुम राम या तो राम साल नहीं क्यों करता तू मेरा मेरी या तो तेरा मकान नहीं जन में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं सबका मेला जो दिन का है मेला जो दिन का है सबका मेला जो दिन का है अंत मेला चला करो चोर मचाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती तुम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला चोर मचाओ गली गली राम बोलो राम वृंदावन बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी लाल की राधा रमण लाल की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो हम सब लोग जब यात्रा में रहेंगे जब बस में रहेंगे तो उस समय हम सब लोगों को भगवान के नाम का जप करते हुए कीर्तन करते हुए चलना है। अर्थात सब भक्त जो है जितने भी भक्त लोग यात्रा में चल रहे हैं सब लोग जो है अपने साथ में अपना झोली माला लेकर के चलेंगे ताकि माला रहेगा तो हम सब लोग अच्छे से जप करते हुए और कीर्तन करते हुए चलेंगे। तो
अक्रूर जी रास्ते में हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अक्रूर जी अपने रथ पर सवार हो चुके हैं और धीरे धीरे नंद गांव की तरफ चले जा रहे हैं। मुख से भगवान का बारंबार नाम उच्चारण कर रहे हैं और अपने हृदय से जो है भगवान के वृंदावन धाम में नंद गांव धाम में पहुंच करके भगवान का दर्शन करना है, भगवान को प्रणाम करना है। इस तरह से सुंदर कल्पना करते हुए, मन में सुंदर विचार करते हुए धीरे धीरे नंद गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अक्रूर जी जब मथुरा से नंद गांव की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में भगवान कृष्ण के साथ साथ वो कंस को भी याद कर रहे थे। कंस को क्यों याद कर रहे थे? केवल याद ही नहीं कर रहे थे, कंस को धन्यवाद दे रहे थे। कंस को बारंबार धन्यवाद दे रहे थे। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी ने सोचा कि कंस चाहे भले कैसा भी है, लेकिन उसी कंस के वजह से जो है आज मैं मथुरा से नंद गांव में जा रहा हूं, उसी के वजह से। तो जो कंस मुझको ठाकुर जी के दरबार में भेज रहा है, वह कंस भले चाहे कितना भी दुष्ट है, क्रूर है, चाहे कैसा भी है, वह धन्यवाद का पात्र है। अक्रूर जी कंस को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि कंस के वजह से ही जो है वो मथुरा से ठाकुर जी के नंद गांव में जा रहे हैं। अतः अक्रूर जी के इस चरित्र से भी हम लोगों को भी एक सीख मिलती है कि हम सब लोग भी जिसके वजह से हम लोग श्री वृंदावन धाम में चल रहे हैं, उसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। भागवत में ये लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं कि जब अक्रूर जी मथुरा से नंद गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते में ही हैं, तो कंस को बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं। कंसो बताद्या कृतम में अत्य अनुग्रहम, कंस ने मेरे ऊपर तनिक अनुग्रह नहीं किया है, अति अनुग्रह किया है, अत्यनुग्रह, अति अनुग्रह किया है, बहुत बड़ी कृपा किया है, क्योंकि उसी के वजह से मैं ठाकुर जी के दरबार में जा रहा हूँ, नंद गांव में जा रहा हूँ। इसीलिए बार बार अक्रूर जी कंस को धन्यवाद दे रहे हैं। अक्रूर जी से हम लोग को सीख मिलती है कि हम भी जिसके वजह से हम लोग वृंदावन धाम में जा रहे हैं, ब्रज में जा रहे हैं, उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम किसी के भी वजह से जा रहे हो, जिसके भी वजह से हम वृंदावन धाम जा रहे हैं, उसका धन्यवाद देना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। वैसे तो इस दुनिया में आदमी के वजह से कोई वृंदावन धाम में नहीं जा सकता है। वास्तव में मूल कारण तो भगवान है, भगवान की कृपा और भगवान के वजह से ही कोई भी जीव वृंदावन धाम में जाता है। लेकिन हाँ, भगवान जो है अपनी कृपा भी किसी के माध्यम से करते हैं, इसीलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने में जो माध्यम बनते हैं, उस व्यक्ति को हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। अक्रूर जी कंस को बारंबार याद कर रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, अक्रूर जी रास्ते में विचार कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि आज मैं नंद गांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ और जैसे ही मैं नंद गांव में पहुंचूंगा, उसी समय मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को देखूंगा। तो मानो कोई अक्रूर जी से पूछे कि आप जिस भगवान का मुख कमल देखेंगे, वो भगवान का मुख कमल कैसा है? तो अक्रूर जी कह रहे लावण्य धामनो,
भगवान का जो मुख कमल जो है ना, वह सुंदरता का धाम है, सुंदरता का आगार है। यानी अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो भगवान का मुख कमल जो है अत्यंत सुंदर है। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि हमारे शास्त्र में बताया गया है कि इस संसार में जितने भी सुंदर लोग हैं ना, इस संसार में जितने भी सुंदर लोग हैं, उन सारे सुंदर लोगों की सुंदरता निकाल करके एक आदमी में रखा जाए ना, तो वह एक देवता के समान होगा। और स्वर्ग में जितने देवता हैं, उन सारे देवताओं का सुंदरता निकाल करके एक आदमी में रखा जाए तो वह जो है एक कामदेव के समान सुंदर होगा। और ऐसा मतलब सोचिए कि संसार के सारे लोगों की सुंदरता अगर एक आदमी में रख दिया जाए तो वो कितना सुंदर होगा, है कि नहीं। और संसार के सारे लोगों की सुंदरता एक आदमी में रखा जाए तो वो एक देवता के समान सुंदर होगा। और स्वर्ग में जितने देवता हैं, उन सारे देवताओं की सुंदरता निकाल करके किसी एक देवता में रखा जाए तो वह एक कामदेव के समान सुंदर होगा। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ना कि ऐसा एक नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव जो है जब भगवान के सुंदर मुख कमल को देखते हैं ना तो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इसीलिए भगवान को मदन मोहन कहा जाता है। मदन का अर्थ होता है काम, कामदेव, और मोहन का अर्थ होता है मोह लेने वाला। हम लोग वृंदावन में चलेंगे ना तो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में मदन मोहन जी का मंदिर आता है। तो भगवान का नाम मदन मोहन क्यों है? मदन का अर्थ होता है कामदेव और मोहन का अर्थ होता है मोह लेना। जो अपने सुंदरता से कामदेव को भी मोहित कर ले उसको मदन मोहन कहते हैं। तो हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि करोड़ों करोड़ों कामदेव के भी मन को भी मोह लेते हैं। कामदेव भी देखे तो बेहोश हो जाते हैं। भगवान की सुंदरता देखकर कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं। संसार में लोग जो है अपने आप को बड़ा सुंदर मानते हैं, लेकिन भागवत में एक बड़ा व्यंग लिखा गया है कि इस संसार में एकमात्र भगवान ही सुंदर हैं और बाकी सब छछुंदर हैं। ये बिल्कुल सही बात है। संसार के लोग अपनी सुंदरता बड़ा गुमान करते हैं, बड़ा घमंड करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है जब ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है कि जब देवता लोग इस संसार में आते हैं ना, शास्त्र में लिखा है कि जब जैसे मान लीजिए कि कोई बकरा जो है वो बकरी को कहे कि अरे आप कितनी ब्यूटीफुल हैं, चाहे आप कितने सुंदर हैं, जैसे एक बकरा जो है बकरी को कहे कि आप कितनी सुंदर हैं, चाहे बकरी बकराव कहे कि आप कितने सुंदर हैं, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, बाप कितने सुंदर है। तो आप लोग विचार कीजिए कि अगर कोई बकरा बकरी से ऐसा कहे तो हम लोग को कितनी हंसी आएगी ना, क्या ही देखो वो बकरा में कोई सुंदरता है। तो जैसे कोई बकरा बकरी के सुंदरता का वर्णन करे तो मनुष्य को हंसी आती है ना, वैसे ही कोई मनुष्य जो है किसी दूसरे मनुष्य के सुंदरता का वर्णन करता है ना, और जब देवता लोग सुनते हैं ना तो देवता लोग बड़ा हंसते हैं कि हे देखो अई छछुंदर के प्रशंसा करता छछुंदर के प्रशंसा कर रहे हैं। कोई बुरा नहीं मानेंगे, ये सब बातें बताई गई है। कहने का भाव ये है कि देवताओं की नजर में संसार की सुंदरता का कोई वैल्यू नहीं है। वास्तव में संसार का सुंदरता कोई सुंदरता ही नहीं है।
संसार की सुंदरता में 6 दोष हैं। सबसे पहला दोष है संसार की सुंदरता जो है हम आदमी के मन में वासना पैदा करती है। संसार की सुंदरता में दूसरा दोष यह है कि संसार की सुंदरता दिन प्रतिदिन छीण होते जाती है। संसार की सुंदरता में तीसरा दोष यह है कि संसार की सुंदरता जो है वह आदमी को तो आकृष्ट कर पाती है लेकिन वो किसी जानवर को आकृष्ट नहीं कर पाती है। आप देखिए अपने गली से जो है कोई कितना भी सुंदर आदमी गुजरेगा तो कुछ 2-4 लोग उसको देख लेंगे, लेकिन वही बगलवा में कोई गधा खड़ा होगा तो देखेगा कि अरे बाप ये कितने सुंदर हैं। वो गधावा कुछ नहीं समझेगा कि सुंदर है कि विश्व सुंदरी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संसार की सुंदरता में तीसरा दोष है कि संसार की सुंदरता जो है वो मनुष्यों को तो आकृष्ट करती है लेकिन वो जानवर को आकृष्ट नहीं कर पाती है। और संसार की सुंदरता में चौथा दोष यह है कि संसार की सुंदरता मनुष्यों में भी सब मनुष्यों को आकृष्ट नहीं करती है, मनुष्यों में भी जो विषयी होते हैं उनको आकृष्ट करती है, बाकी जो बैरागी पुरुष है जो विद्वान है उनको संसार की सुंदरता आकृष्ट नहीं कर पाती है। ये संसार की सुंदरता में चौथा दोष है। तो इस तरह से संसार की सुंदरता में बहुत दोष है, इसीलिए संसार की सुंदरता का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आज जो आदमी का मुंह जो है टमाटर जैसा लाल लाल दिखता है ना, 50 साल के बाद जो छुहाड़ा जैसा सिकुड़ जाता है कि नहीं, देखने का ही मन नहीं करता है, सबका यही हाल है। तो खैर भगवान बड़े सुंदर हैं, भगवान बड़े सुंदर हैं, इसीलिए अक्रूर जी कह रहे हैं कि जैसे ही मैं नंदगांव में पहुंचूंगा और जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन होगा उसी समय अपने रथ से कूद जाऊंगा और कूद करके ठाकुर जी के चरणों प्रणाम करूंगा और उनके सुंदर मुख कमल का दर्शन करूंगा। उनका मुख कमल कैसा है? उनका मुख कमल जो है करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मोहित कर ले, ऐसा सुंदर उनका मुख कमल है। और इतना ही नहीं, अक्रूर जी रास्ते में और क्या विचार कर रहे हैं? अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं ठाकुर जी के ब्रज वृंदावन में जैसे ही पहुंचूंगा ना तो वहां पर पहुंच करके मैं क्या करूंगा, वहां पर पहुंच करके वृंदावन के कमरे में बैठ करके, चाहे नंदगांव के कमरे में मैं बैठ करके 2-4 लोगों से मस्ती मजाक नहीं करूंगा, वहां पर गप सप नहीं करूंगा, वहां पर क्या करूंगा, मैं ठाकुर जी के गली गली में, ठाकुर जी जिस नंद गांव के गली गली में घूमे हुए हैं उन गली गलियों में घूम करके ठाकुर जी के लीला को गाऊंगा, ठाकुर जी के नाम को गाऊंगा। ये सारी कल्पना जो है अक्रूर जी अपने मन में कर रहे हैं। मैं ब्रज के गलियों में ठाकुर जी के लीला को गाऊंगा, क्यों? क्योंकि जब ठाकुर जी के लीला को गाऊंगा ना तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी, मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। अक्रूर जी के चरित्र से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि हम सब लोग भी जब वृंदावन धाम में पहुंचेंगे तो वहां पर पहुंच करके हम लोगों को संसार की वार्ता नहीं करना है, वहां पर पहुंच करके हम लोगों को गप सप नहीं करना है। कई बार जो है कई लोगों का स्वभाव होता है कि बस 2-4 लोग कमरे में बैठ गए तो ब्रज वृंदावन में भी जा करके अरे फलाना के लैकिनिया भी न के ब्याहवा पता न तो भैल कि ना, और उनके लैकवा तो बड़ा बढ़िया बा, सरकारी नौकरी लागे वाला बा, हई हऊ हेने होने यही सब बात करते रहते हैं लोग। तो ये सब नहीं होना चाहिए। वृंदावन में पहुंच करके हमें जो है एक तो हम लोग कितने छोटे समय कितने कम समय के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी पहुंच करके हम लोग संसार की वार्ता करते रहें, तन से हम लोग वहाँ रहे और मन से हम लोग इनके लैकिनी उनके लैकिनी उनके लैका हऊ हऊ सब चिंता करते रहेंगे तो जाके फायदा क्या। वहाँ पर बैठ करके हमें अपने जब हम लोग 4 लोग बैठे तो भगवान के विषय में गुणगान करें, भगवान के लीला का गान करें कि देखो तो ठाकुर जी कितने दयालु हैं, तो हम लोग कितने पापी हैं लेकिन ठाकुर जी ने कृपा करके अपने चरणों में बुलाया है। हाँ,
ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, कि इसी ब्रज के गली गली में ठाकुर जी भ्रमण किए हैं। इस तरह से भगवान का गुणगान करना चाहिए, जैसे ब्रज की गोपियां। हमारे संतों ने बहुत सुंदर लिखा है, गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज की गोपियों से सीख लेनी चाहिए कि ब्रज की गोपियां जो है भगवान कृष्ण उनसे क्यों स्नेह करते थे, क्योंकि ब्रज की गोपियां जब उनको समय मिलता था तो बैठ करके व्यर्थ की बातें नहीं करती थी। ब्रज की गोपियां उनको, ब्रज वृंदावन की गोपियां जो है जब आपस में मिलती थी तो सब मिलकर के गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा, वृंदावन की सारी गोपियां जब आपस में मिलती थीं तो कृष्ण की लीलाओं का गान करती थी कि देखो तो सखी आज हमारे श्री श्याम सुंदर जी, यशोदा नंदन, हमारे नंद नंदन, हमारे गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे थे। आज उनके सिर पर जो मुकुट पहने हुए थे वो कितना सुंदर लग रहा था, और मुकुट का जो मोर पंख था वो तो कितना सुंदर लग रहा था। आज हमारे ठाकुर जी के बाल, घुंघराले बाल कितने सुंदर लग रहे थे। आज ठाकुर जी अपने गले में कितने सुंदर कमलों की माला पहने हुए थे। आज ठाकुर जी के पाँव में जो पायल था कितना सुंदर था, उससे कितनी सुंदर ध्वनि निकल रही थी। आज हमारे ठाकुर जी के कपड़ों पर मैया यशोदा ने कितना सुंदर चित्रण किया था। आज हमारे ठाकुर जी के आंखों में कितना सुंदर काजल लगा हुआ था। आज हमारे ठाकुर जी अपने कानों में कितना सुंदर मकराकृत कुंडल पहने हुए थे। आज हमारे ठाकुर जी कितना सुंदर बांसुरी बजा रहे थे, उस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल गए, शिव जी की समाधि टूट गई, देवताओं का नृत्य, अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया, महात्माओं का ध्यान भंग हो गया, यमुना जी की लहरें रुक गई, गोवर्धन पर्वत पिघल कर बहने लगा। आज हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे थे। इस तरह से ब्रज की सारी गोपियां जब आपस में मिलती हैं तो भगवान कृष्ण के बारे में बात करती हैं, भगवान कृष्ण के लीलाओं का गान करती हैं। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि, अपने जिह्वा से ठाकुर जी के गुणों का गान करती हैं। यहाँ तक कि ब्रज की गोपियां जब वो रसोई घर में भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाते बनाते वो कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करती है कि वो आज मैं कितनी अभागनी हूँ कि मैं जो है रसोई घर में मैं भोजन पका रही हूँ और हमारे श्याम सुंदर जो है वो वृंदावन में गौचारण करने के लिए गए हैं। वृंदावन में वृक्षों के नीचे जो है बहुत सारे लकड़ी गिरे होंगे, बहुत सारे कंकड़, कंकड़ीली मार्ग होगी, काटीले मार्ग होंगे, उन पर ठाकुर जी अपने चरण रखते होंगे, तो ठाकुर जी के चरणों को कितना कष्ट होता होगा। इस तरह से गोपी रसोई घर में भोजन पका रहे, लेकिन भोजन पकाते पकाते भी कृष्ण का चिंतन कर रही है, झाड़ू लगाते लगाते जो है कृष्ण के नाम का गान कर रही है, कृष्ण के लीलाओं का गान कर रही है। वह दूध दूहते समय गोपियाँ जो है कृष्ण के लीलाओं का गान करती हैं, अपने बच्चे को दूध पिला रहे उस समय भी कृष्ण के लीलाओं का गान करती हैं, अपने पति को भोजन परोस रही हैं उस समय भी कृष्ण के लीलाओं का गान करती हैं, अपने आंख में काजल लगाती हैं उस समय भी कृष्ण का गुणगान करती हैं। इस तरह से गोपियां जो है हर कार्य करते समय 24 घंटा कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण के लीला गान में रत रहती हैं। कभी कभी ब्रज की गोपियां आपस में मिल जाती हैं और आपस में मिल करके कहती हैं, एक दूसरे से कहती हैं कि अरे सखी देखो तो ये गिरिराज पर्वत, ये गिरिराज कितना सौभाग्यशाली है कि जो जिस श्याम सुंदर से हम लोग इतना स्नेह करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, फिर भी वो श्याम सुंदर एक बार भी हमारी तरफ देखते नहीं हैं, लेकिन ये गिरिराज गोवर्धन भगवान के, हमारे ठाकुर जी के कितने बड़े भक्त हैं कि ठाकुर जी दिन भर अपने चरण कमलों से इन पर दौड़ते रहते हैं। ठाकुर जी इस गिरिराज पर्वत को अपने दिन भर अपने चरणों का स्पर्श देते रहते हैं। सखी मैं सच कहूँ ना तो ये गिरिराज जी के ऊपर जो घास पत्ते हैं ना,
ये जो घास है ना, ये कोई घास नहीं है, ये गिरिराज जी के शरीर के रोंगटे हैं। और ठाकुर जी के चरण पड़ने के कारण जो है ना, प्रेम से इन प्रेम के कारण जो है ना, इनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्योंकि ये गिरिराज जो है हमारे ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं, ठाकुर जी के गायों के लिए हरी हरी घास देते हैं, ठाकुर जी के लुका छिपी खेलने के लिए बहुत सुंदर सुंदर ये गुफाएं देते हैं, ठाकुर जी को पीने के लिए बहुत सुंदर सुंदर झरनों का मीठा अमृत जैसा जल देते हैं। ये गिरिराज गोवर्धन जो है ये कितना भाग्यशाली है, ये हमारे श्याम सुंदर जी का कितना सेवा करता है, और हम कितनी अभागनी हैं कि हम जो है ठाकुर जी की कोई सेवा नहीं कर पाती हैं। सखी, हम सच कहें तो इस गिरिराज जी का ये जीवन धन्य है, क्योंकि ठाकुर जी दिन भर अपने गायों को इसी पर चराते रहते हैं, इसी पर बांसुरी बजाते हैं, इसी पर अपनी हजारों लाखों लीला करते हैं। इस तरह से सारी गोपियां आपस में मिल करके संसार की वार्ता नहीं करती हैं, किसी इधर उधर का काना फूसी नहीं करती हैं, बैठ करके गोपियां जो है कृष्ण का चिंतन करती हैं, कृष्ण के लीलाओं का गान करती हैं। अतः हम सब लोग भी जब ब्रज वृंदावन में चलेंगे तो वहां पर संसार का व्यर्थ का वार्ता नहीं करना है, वहां पर हमें कृष्ण के लीलाओं का गान करना है। मीराबाई जो है ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं, अपने एक भजन में मीराबाई जो है ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं, मया चाकर राखो जी, चाकर रहे सो बाग लगा सो, चाकर रहे सो बाग लगा सो, नित उठ दर्शन पाओ मया चाकर राखो जी, वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में गोविंद लीला गासू मयान चाकर राखो जी, चाकर रहे सो बाग लगा सो, चाकर रहे सो बाग लगा सो, नित उठ दर्शन पाओ मयान चाकर राखो जी। मीराबाई भगवान कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, आप कृपा करके ना मुझे अपने राजमहल में मुझे अपना नौकर बना लीजिए, अपने घर पर मुझे चाकर बना लीजिए, सेवक बना लीजिए। तो ठाकुर जी ने पूछा कि अगर आप मेरे घर पर सेवा करोगी, सेवक बनकर सेवा करोगी, तो आप जो है शुल्क क्या लोगी? तो मीराबाई कहती हैं कि प्रभु, मुझे सेवा का शुल्क नहीं चाहिए, मैं तो निशुल्क दासी बनना चाहती हूँ। अगर आप देना चाहते हो ना, तो बस एक चीज़ दीजिए, क्या? कि आप रोज़ अपना दर्शन दे दीजिएगा, बस यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी पूछते हैं कि अच्छा, ये तो बताओ कि आप मेरे राजमहल में सेवक बनना चाहती हो, दासी बनना चाहती हो, लेकिन दासी बन के करोगी क्या? तो मीराबाई कहती है कि मैं जो है ना, आपके लिए सुंदर फूल का बगीचा लगाऊंगी, और उस फूल के बगीचे को अपने आंसुओं से सींचूंगी, और जब उस पर फूल खिलेगा तो वह फूल आपके चरणों में अर्पित करूंगी। और वृंदावन के कुंज गलिन में गोविंद लीला गासूं, और वृंदावन के आपके कुंज गलिन में आपके लीलाओं को गाऊंगी। हे प्रभु, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो बस यही दीजिए, अपने दरबार में मुझे सेवक बना लीजिए, दासी बना लीजिए। तो इस तरह से एक कहने का भाव ये है कि हम लोग ब्रज वृंदावन धाम में चलेंगे
तो जिस प्रकार से ब्रज की गोपियां आपस में मिलकर के कृष्ण की चर्चा कर रही हैं, कृष्ण की लीला गान कर रही हैं, जैसे अक्रूर जी ये विचार कर रहे हैं कि मैं नंद गांव में ब्रज में पहुंचते ही मैं भगवान के लीलाओं का गान करूंगा, वैसे ही हम सब लोगों को भी वृंदावन में पहुंच करके संसार की व्यर्थ चर्चा नहीं करना है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, वहां पर भगवान के लीलाओं का गान करना है। अक्रूर जी इस तरह से सुंदर मनोरथ करते हुए, विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि जैसे ही मैं नंद गांव में पहुंचूंगा और जैसे ही कृष्ण बलराम का दर्शन होगा, उसी समय मैं रथ से उतर करके प्रणाम नहीं करूंगा। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं रथ से ही जैसे ही दर्शन करूंगा तो रथ से उतरूंगा नहीं, रथ से मैं कूद जाऊंगा। और कहां कूदूंगा? ठाकुर जी के चरणों में कूद जाऊंगा, ठाकुर जी के चरणों में कूद जाऊंगा और उनके ठाकुर जी के चरणों में मैं प्रणाम करूंगा। और अक्रूर जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जैसे ही ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करूंगा ना, तो ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, वो तुरंत जो है देखेंगे कि ये अक्रूर मेरे चरणों में पड़ा हुआ है, तो तुरंत ठाकुर जी मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख देंगे, मेरे सिर पर अपना हाथ रख देंगे। और ठाकुर जी मेरे सिर पर अपना हाथ रख देंगे तो क्या होगा? अक्रूर जी सोच रहे हैं, रास्ते में ये सब सोच रहे हैं कि मैं प्रणाम करूंगा तो ठाकुर जी मुझको उठाएंगे और मेरे सिर पर अपना हाथ रख देंगे, और हाथ रखेंगे तो क्या होगा? हाथ रख देंगे तो जिस काल से, जिस मृत्यु से सारी दुनिया भयभीत है ना, लेकिन ठाकुर जी अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख देंगे ना, तो मैं साक्षात काल से भी, मौत से भी मैं बच जाऊंगा, मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा। दत्ता भयम काल भुजांग रहंसा, इसीलिए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करूंगा। अक्रूर जी जो है भगवान के हाथ की महिमा बता रहे हैं, मैं प्रणाम करूंगा, ठाकुर जी मेरे सिर पर हाथ रखेंगे तो मैं काल के भय से मुक्त हो जाऊंगा, और साथ ही साथ जो है ठाकुर जी का जो हाथ है वो कैसा है, तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी का हाथ ऐसा है कि ठाकुर जी के हाथ में बलि महाराज ने थोड़ा सा वस्तु दिया था। आप सब लोग जानते हैं ना बलि महाराज की कथा। अक्रूर जी भगवान के हाथ की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि भगवान के हाथ की इतनी महिमा है कि जब बलि महाराज ने भगवान के हाथों में थोड़ा सा कुछ दे दिया था, थोड़ा सा वस्तु दे दिया, 3 पग भूमि दे दिया, तो भगवान इतने दयालु बन गए, इतने कृपालु बन गए कि भगवान ने बलि महाराज को स्वर्ग का ही राज्य प्रदान कर दिया, स्वर्ग का राजा बना दिया। भगवान के हाथ कितने दयालु हैं कि उन हाथों में बलि ने थोड़ा सा धन दिया और भगवान ने बलि महाराज को स्वर्ग का राजा, सुतल लोक का राजा बना दिया। इसीलिए अक्रूर जी सोच रहे हैं कि ऐसा जो भगवान का कृपामय हाथ है वो हाथ मेरे सिर पर पड़ना चाहिए, और वो सिर पर कब पड़ेगा? जब मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा तो तुरंत मेरे सिर पर हाथ रख देंगे। जो हाथ इतना दयालु है, ऐसा हाथ मेरे सिर पर पड़ जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए अक्रूर जी अपने मन में इच्छा कर रहे हैं कि ठाकुर जी अपना हाथ मेरे सिर पर रख दें, तो हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए, हम लोगों को भी इच्छा होनी चाहिए कि ठाकुर जी कभी तो कभी हम लोगों के भी सिर पर अपना हाथ रखें। आइए हम लोग एक भजन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान कभी न कभी हमारे भी सिर पर हाथ रखें। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ
पे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु पे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की वर्षा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूल धन और दौलत महंगी है, एक नजर कृपा की दादा नाम सबसे महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, मेरे कुल की तमन्ना यही है, तमन्ना यही है कर सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सब भक्त वृंद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे। तो इस तरह से अक्रूर जी सुंदर मनोरथ करते हुए नंदगांव की तरफ बढ़ रहे हैं, और
बहुत सुंदर विचार करते हुए, बहुत सुंदर कल्पना करते हुए कि मैं जाऊंगा ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करूंगा और फिर ठाकुर जी मुझको उठाएंगे और अपना दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रखेंगे और जब वो अपने गले से लगा लेंगे और जब मेरा हाल चाल पूछेंगे उस समय मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह से अक्रूर जी जो है विचार करते हुए जा रहे थे और जाते 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 जो है शाम हो गया, गोधूली का बेला आ गया। गोधूली बेला मतलब जब शाम को गायें चर करके, जंगल से चर करके जब अपने गौशाला की तरफ जाती हैं उसको गोधूली बेला कहते हैं। जब सूर्यास्त जो है, सूरज जो है अस्ताचल को जाता है उस समय को गोधूली बेला कहते हैं। तो पहुँचते पहुँचते अक्रूर जी को शाम हो गई और जैसे ही अक्रूर जी नंद गांव में पहुँचे तो नंद गांव के बाहर ही उन्होंने क्या देखा कि ठाकुर जी गायों को चराते हुए जब गए थे तो नंद गांव में जो मार्ग से ठाकुर जी गायों को चरा करके गए थे उस मार्ग पर जो है ठाकुर जी के चरण का चिन्ह अंकित हो गया था। और जैसे ही अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण को नहीं देखा, केवल उनके चरण चिन्ह को देखा ना, तो तुरंत अपने रथ से कूद गए। भगवान के चरण चिन्ह को देखते ही रथ से कूद गए और भगवान के चरण चिन्ह पर जो है अपना माथा रगड़ रगड़ करके भगवान के चरण रज में लोटने लगे। वास्तव में हम सब लोग जब ब्रज में चलेंगे तो हम सब लोगों का भी ऐसा ही भाव होना चाहिए। ब्रज वृंदावन के एक एक कण पर भगवान कृष्ण ने अपने चरण रखे हुए हैं तो हम सब लोगों को उस चरण पर अपना मस्तक रख करके प्रणाम करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग ब्रज वृंदावन में चलेंगे और भगवान को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करते समय अगर हमारे शरीर में धूल लग जाए तो उस धूल को कभी झाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, चाहे गुरु को प्रणाम करते हैं, तो उस समय प्रणाम करते समय हमारे शरीर में जितने धूल के कण लगते हैं ना, उतने जन्मों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब हम झाड़ देते हैं तो हमारा पाप नष्ट नहीं होता है। इसीलिए जब हम भगवान को या गुरु को प्रणाम करते हैं तो शरीर में जो धूल लग जाए उसको झाड़ना नहीं चाहिए। और जब हम यमुना जी में स्नान करते हैं तो यमुना जी का जल हमारे शरीर में लगता है तो उस जल को जो है कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए। वो नेचुरली सूख जाए वो ठीक है, हमें अपने कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए, ये यमुना जल के प्रति अपराध है। तो कई बार हम लोग जाते हैं बहुत नया नया कपड़ा पहने रहते हैं और जैसे ही प्रणाम करते हैं और धूल लग जाता है तुरंत झाड़ना शुरू कर देते हैं, ये अपराध है। हम लोग ब्रज में चलेंगे, प्रणाम करेंगे तो धूल लग जाए तो कभी झाड़िएगा मत। वहाँ पर हम लोग को अपना फैशन नहीं देखना है, वहाँ पर हम लोग को तपस्या करनी है, वहाँ पर हम लोग को भगवान का भजन करना है, साधन करना है। वृंदावन में दर्शन करना, यहाँ वहाँ जा करके दर्शन करना, इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि जैसे भगवान जो है गोपियों के साथ में रास रचा रहे थे और जब गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए तो उस समय सारी गोपियां जो है किसी वृक्ष के पास जाकर के भगवान को ढूंढने लगी, फिर वृक्ष के पास नहीं मिले तो किसी दूसरे जगह पर किसी पर्वत के पास जाकर ढूंढने लगी, फिर पर्वत के पास नहीं मिले तो किसी नदी के पास जाकर ढूंढने लगी, फिर नदी के पास नहीं मिले तो जामुन के पेड़ के पास जाकर ढूंढने लगी, जामुन के पेड़ के पास नहीं मिला तो आम से जाकर पूछने लगी, वहाँ ढूंढने लगी, आम के पेड़ के पास नहीं मिले तो पीपल के पेड़ से जाकर पूछने लगी, वहाँ पर भी नहीं मिले तो तुलसी से जाकर के पूछने लगी। इस तरह से जैसे गोपियाँ जो है यहाँ वहाँ जा जा करके
भगवान को ढूंढ रही थी, भगवान के दर्शन की लालसा से यहाँ वहाँ भगवान को ढूंढ रही थी, उसी भाव से हम लोगों को वृंदावन में यहाँ दर्शन करना, हम लोगों को बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करना है, वहाँ दर्शन नहीं हुआ तो हमको राधा रमन जी के पास चलना है, वहाँ दर्शन करना है, वहाँ दर्शन नहीं हुआ तो हमको जो है सेवा कुंज में चलना है, वहाँ भगवान को ढूंढना है, वहाँ भगवान नहीं मिले तो हमको निधिवन में ढूंढना है, वहाँ नहीं मिले तो हमको यमुना जी के किनारे ढूंढना है, वहाँ नहीं मिले तो हमको गिरिराज जी की गोवर्धन की तलहटी में ढूंढना है, वहाँ नहीं मिले तो हमको राधा कुंड श्याम कुंड में ढूंढना है, वहाँ नहीं मिले तो हमको बरसाने में ढूंढना है। जैसे गोपियों को एक जगह नहीं मिल रहा तो दूसरे जगह ढूंढ रही थी, दूसरे जगह ढूंढी नहीं मिले तीसरे जगह ढूंढ रही थी, उसी तरह से हम लोगों को एक जगह नहीं मिलेंगे तो दूसरे जगह ढूंढना है, दूसरे जगह नहीं मिले तीसरे जगह ढूंढना है। गोपियों की तरह हम लोगों को भगवान को ढूंढना है, न कि वहां पर पिकनिक मनाना है, वहां पर हमें भगवान को ढूंढना है। ब्रज में यहाँ वहाँ दर्शन करने का यही भाव होता है कि जैसे गोपियों ने सब जगह भगवान को ढूंढा, वैसे हमको भगवान को ढूंढना है, भगवान का दर्शन करना है, क्योंकि जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक हमारे नेत्रों की ताप शांत नहीं होगी, नेत्र के ताप शांत नहीं होंगे, भगवान को ढूंढना है। तो वहाँ पर हम लोग को फैशन नहीं करना है, प्रणाम करें शरीर में धूल लग गया तो झाड़ना नहीं है, उल्टा उस धूल में हमको लौटना है। अक्रूर जी लौटने लगे, धूल में लौटने लगे, क्यों लौटने लगे, क्योंकि अक्रूर जी ने सोचा कि जहां पर मेरे ठाकुर जी ने अपना चरण रखा है वहां पर जो है मुझे अपना मस्तक रखना चाहिए, क्योंकि ये मेरे ठाकुर जी का चरण रज है, मेरे गोपाल जी का, मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्य का चरण रज है, यहाँ पर तो मुझे पांव नहीं, यहाँ पर तो मुझे अपना सिर रख के चलना चाहिए, इसीलिए अपने सिर को ठाकुर जी के चरण रज में पूरा लोट पोट करने लगे। इसी तरह से रामायण में भरत जी की भी दशा है। देखिए हम सब लोग जो है ब्रज वृंदावन में चल रहे हैं तो ब्रज वृंदावन में कैसे रहना चाहिए, जब भरत जी भगवान राम का दर्शन करने के लिए चित्रकूट में जा रहे थे तो भरत जी जो है सारे अयोध्यावासी रथ पर चल रहे थे और भरत जी जो है वो नीचे नीचे चल रहे थे, धरती पर पैदल चल रहे थे। क्यों? क्योंकि भरत जी ने सोचा कि जिस मार्ग पर मेरे प्रभु जो है नंगे पांव गए हैं, जिस मार्ग पर हमारे प्रभु जो है पैदल चल के गए हैं, उस मार्ग पर जो है मैं रथ पर बैठकर कैसे चल सकता हूँ। स्वामी जो है वो पैदल चलेगा और सेवक जो है रथ पर चलेगा, ये तो सेवक का धर्म नहीं है। और इतना ही नहीं, भरत जी तो शत्रुघ्न से कहते हैं कि शत्रुघ्न मैं क्या बताऊं, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है, मैं सोच रहा हूं कि धरती फट क्यों नहीं जाती, मैं धरती में समा क्यों नहीं जा रहा हूं। अरे शत्रुघ्न तुम विचार करो कि जहां पर मेरे प्रभु राम जो है अपना चरण रखे हैं वहां पर तो मुझको अपने सिर के बल चलना चाहिए, लेकिन मैं कितना अभागा, कितना पापी हूं कि जहां पर मेरे प्रभु चरण रखे हुए हैं वहां पर मैं अपना चरण रख के चल रहा हूं। रामायण में भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। जहां पर मेरे प्रभु राम अपना चरण रखे वहां पर तो मुझ सेवक को अपना सिर रख करके चलना चाहिए, ताकि सिर में प्रभु के चरणों की धूली लगेगी तो शायद हमारी बुद्धि ठीक हो जाएगी, बुद्धि सुधर जाएगी, इसलिए मुझे सिर के बल चलना चाहिए, लेकिन मैं कितना भागा हूं। तो जिस प्रकार से भरत जी जो है राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो इस भाव से जा रहे थे, उसी तरह से हम लोग ब्रज में भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं तो हम लोगों को भी इस भाव से चलना है कि जहाँ पर हमारे ठाकुर, जिस ब्रज में ठाकुर जी अपना चरण रख के चले वहाँ पर तो हमें सिर के बल चलना चाहिए। भले हम सिर के बल चले नहीं, लेकिन कम से कम मन में भाव तो होना चाहिए। इस तरह से अक्रूर जी अपने मन में मनोरथ करते हुए जा रहे हैं और जैसे ही मनोरथ करते हुए जा रहे हैं तब तक उन्होंने क्या देखा कि साक्षात नंद गांव में कृष्ण और बलराम जी जो है गौ गायों को दोहने के लिए जा रहे थे
और उसी समय अक्रूर जी को भगवान का दर्शन हो गया और अक्रूर जी ने भगवान को देखते ही अपने रथ से कूद गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किए और भगवान कृष्ण ने उनको उठाया, उनको गले से लगाया, उनका हाल चाल पूछा। बहुत बड़ा प्रसंग है। फिर भगवान कृष्ण बलराम अक्रूर जी को अपने घर पर ले गए, स्वागत सत्कार किया और फिर अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने आप लोगों को बुलाया है। अब भगवान कृष्ण जो है अक्रूर जी की बात मान करके दूसरे ही दिन अपना नंदगांव छोड़ करके मथुरा चले गए। सारे गोप गोपी ग्वाल बछड़े गाय सब लोग रोकते रह गए, लेकिन ठाकुर जी नंदगांव को छोड़ करके मथुरा चले गए। तो इस तरह से ये प्रसंग बड़ा है, लेकिन कहने का भाव यह कि जिस प्रकार अक्रूर जी मथुरा से नंदगांव जा रहे थे तो रास्ते में जैसा वो भाव से जा रहे थे, वैसा ही हम सब लोग जब कस्या से वृंदावन के लिए निकलेंगे तो हम लोग भी बस में रास्ते में जो है ऐसे ही भाव, ऐसे ही कल्पना करते हुए हम सब लोग कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, सुंदर कल्पना चिंतन करते हुए हम लोग अपनी यात्रा को शुरू रखेंगे और इस तरह से हम लोग अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। तो हम सब लोग ब्रज में चल रहे हैं तो मुझे लगा कि ये सब आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने बताया। तो सब लोग जो है इस तरह की तैयारी पहले से ही रखें और सब लोग अपने ब्रज वृंदावन में चलने के लिए तैयार हो जाएं। समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हो योगी तो क्षमा कीजिएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आज जो है स्पीकर के वजह से और भी बहुत सब तकनीकी के वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ, आप लोगों को भी डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।